श्री राम समर्थ अगस्त 20। जो विषय का दास बनता है वह सुख संतोष से वंचित होता है। सब दुखों की जड़ देह है, उसमें भी यदि देह बीमार हुआ तो वह दुख की हद होगी। नमक का खारापन, शक्कर की सफेदी, ये जैसे नमक और शक्कर से अलग नहीं होते, वैसी ही बात देह और दुख की जानो। यानी देह और दुख अलग नहीं होते। देह मजबूत और ताकतदार होने पर भी दुख भूला नहीं जाता। शरीर के लिए जैसी छाया है वैसे ही शरीर के लिए रोग हैं। रामकृष्ण आदि अवतार हो गए किंतु वे भी अंत में देह में नहीं रहे। अपना भी भरोसा नहीं है यह हम जानते हैं, फिर भी वियोग का असीम दुख होता है। देह के अति दुख के कारण चित्त स्थिर और शांत नहीं रहता। देह के भोग देह के ही माथे सौंपे, वे किसी को दिए नहीं जा सकते, न किसी से लिए जा सकते हैं। आज तक हमने जो जो किया सब गृहस्थी को अर्पण किया, उसमें अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ा। अधिकार, संतति, संपत्ति, लौकिक व्यवहार, जनप्रीति, इन सब का मूल स्वार्थ के सिवाय और कहीं नहीं है, और इससे अंत में दुख ही होता है। जो जो भी प्रयत्न किया उसी को हमने सुख का आधार, सुख का कोष समझा। कल्पना से सुख माना लेकिन सुख हाथ नहीं आया। जिसका बहुत बड़ा काम कर दिया हो उसके प्रति यदि थोड़ी भी गलती हो जाए तो वह तुरंत गुर्राता है। लोग ऐसे स्वार्थी होते हैं, हम यह जानकर बरते। गृहस्थी में आसक्ति होना मानो अग्नि ज्वाला को गले लगाना है। आज तक बहुत दौड़ धूप की लेकिन सफलता नहीं मिली। विषय में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास किया लेकिन दुख के सिवाय कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अतः गृहस्थी से कोई आदमी सुखी हुआ ऐसा न देखा है न सुना है। जिससे कोई आशा करो कि उसके दास बनना पड़ता है। जो विषय का हो जाता है वह सुख संतोष से हाथ धो बैठता है। जिस पौधे को खाद पानी देते हैं उसी के फल हमें मिलते हैं। विषय को खाद डाली तो संतोष कैसे मिलेगा। गृहस्थी में संकट की मालिका ही रहती है क्योंकि गृहस्थी दुख रूप ही है। जिसका रूप ही दुखदायक है उससे सुख की आशा करना क्या व्यर्थ नहीं। जिसने विषय में चित्त लगाया ऐसा आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। वैसे ही विषय में सुख मानो तो दुख ही होगा। गृहस्थी की उपाधि सुख दुख की प्राप्ति कराती है। संतान, संपत्ति, वैभव, संसार के मान सम्मान, आधुनिक विद्या की संगति संतोष नहीं देते। गृहस्थी का सुख दुख हमें कभी छोड़ता नहीं। जो निरंतर नामस्मरण करता है और जो उसी में रहता है उसका परमात्मा उद्धार करता है। पुराणों से यही सिद्ध होता है। आज का मुख्य विचार, बहुत दौड़ धूप मत करो, कंठ में राम रखो यानी निरंतर स्मरण करो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।